बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हयात वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखें कि आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या बात करनी है। बच्चों हम मोशन की इक्वेशन के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, होप सो आप लोगों को वो प्रॉब्लम समझ आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार चैप्टर के अंदर, अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर खाली ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैं दो दिन में चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब आप पढ़ ही रहे हैं तो बेहतर तरीके से चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से चैप्टर को समझिए, उसके फंडामेंटल को देखिए कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों तो आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों, जहां पर आप लोग जानेंगे कि कौन सी इक्वेशन को कहां अप्लाई करना है। ये जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है कि कौन सी इक्वेशन को कहां अप्लाई करना है। अगर ये आप लोग जान गए ना कि कौन सी इक्वेशन को कहां अप्लाई करना है, फिर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़िए और देखिए कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज में क्या आप लोगों से कहा गया है। भाई प्रॉब्लम की लैंग्वेज में हम लोगों से कहा है ए कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सीलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम लैप्स इज टी सेकेंड इवैल्यूएट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। बहुत ही अच्छी और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। लेकिन सबसे पहले जो कंडीशन हमें सवाल के अंदर दी गई है वो कंडीशन हमें स्क्रीन पर आपके सामने इमेजिन करनी है बच्चों, बनानी है स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आप लोग समझ पाए कि भाई क्या प्रॉब्लम के अंदर कहा गया है। देखो बच्चों इनिशियल पॉइंट है ये, यहाँ बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। फाइनल पॉइंट है बी हमारे पास में और ये पॉइंट है सी। हुआ क्या बच्चों जरा समझिएगा, हुआ ये कि ए से लेकर सी तक बॉडी अल्फा के एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेट करती है, यानी ए से लेकर सी तक बॉडी की स्पीड बढ़ती है बच्चों, बढ़ती है स्पीड। मैंने माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है टी वन, ठीक है। अब क्या हुआ, सी से लेकर बी तक जो स्पीड है भाई वो घटती है और इतने एक्सीलरेशन से घटती है। एक्सीलरेशन के माइनस होने का मतलब यह है कि स्पीड कम हो रही है। और एक कंडीशन ये आएगी बच्चों कि जब फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी ज़ीरो और जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगी। हमने माना कि सी से लेकर बी तक जाने में बॉडी को जो टाइम लगता है वो टी टू टाइम लगता है बच्चों। अब देखते हैं जरा, मैंने सिचुएशन आपके सामने बना दी, एक कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट यानी कार रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, अल्फा से एक्सीलरेट करती है यानी ए से लेकर सी तक उसकी जो स्पीड है ना बच्चों वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सी पॉइंट पर पहुंचकर स्पीड हो जाती है मैक्सिमम। उसके बाद देखो ए से लेकर सी तक स्पीड बढ़ रही है बच्चों क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, सी वाले पॉइंट पर पहुंचकर हमारी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड। और सी से लेकर बी तक दोबारा स्पीड घटना स्टार्ट करेगी और फाइनली बॉडी आ जाएगी रेस्ट में। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ बॉडी रेस्ट में है कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगता है टी वन टाइम, एक्सीलरेशन आप लोगों को दिया है अल्फा। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हम लगाएंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। मैंने माना कि यहाँ की जो वेलोसिटी है वो वी है, ध्यान से बच्चों इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी है जीरो, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी है वी, एक्सीलरेशन है अल्फा और टाइम है टी वन। सो कंडीशन बनेगी v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा t1, u की वैल्यू कितनी है जीरो, सो वेलोसिटी हमारे पास में बनी अल्फा t1, यानी यहां पर इस पॉइंट पर बच्चों
बॉडी की जो वेलोसिटी रहने वाली है वो रहने वाली है अल्फा टी वन। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो जीरो है, यहां जो वेलोसिटी रहने वाली है वो रहने वाली है अल्फा टी वन। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? ओके, अब देखते हैं कि भाई आगे हम लोग और कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग कंडीशन बनाएंगे, ये समझना बड़ा जरूरी है हम लोगों के लिए। यहां बॉडी फाइनली रेस्ट में आ जाती है। अब हम यही इक्वेशन सी और बी के बीच में अप्लाई करेंगे। सी और बी के बीच में देखो, सी और बी के बीच में जब मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे तो अब इनिशियल पॉइंट हो चुका है सी और फाइनल पॉइंट हो चुका है बी। समझ आ रही बात? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? सी, और फाइनल पॉइंट है बी। रिटार्डेशन हो रहा है माइनस के बीटा और टाइम की वैल्यू है टी टू। मैं इक्वेशन लगाता हूं बच्चों, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी है जीरो। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब है फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी जो अपने पास में v है, रास्ते में रिटार्डेशन हो रहा है माइनस के बीटा और टाइम है टी टू। समझ आ रही है बच्चों बात? भाई यहां हमने a और c के बीच में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाई। क्या है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां हम लोगों ने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाई। फर्स्ट इक्वेशन हो गई फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी v, माइनस के बीटा टी टू। देखो यहां से मेरे पास में टी टू की वैल्यू निकलेगी v अपॉन बीटा। ये हमारे पास में टी टू की वैल्यू निकलेगी बच्चों। यहां पर टी वन की वैल्यू क्या निकलेगी? टी वन निकलेगा अपने पास में v अपॉन अल्फा। अब हम लोगों को क्या कह रखा है बच्चों, ये देखो जरा भाई, जो टी वन टाइम है वो यहां से यहां तक का टाइम है, और जो टी टू टाइम है वो यहां से यहां तक का टाइम है, और जो टोटल टाइम हम लोगों को दिया है वो टी दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो टोटल टाइम होगा ना अपने पास में वो टी वन प्लस टी टू के सम के बराबर होगा। यार हमने टी वन निकाल दिया यहां से लेकर यहां तक मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके, हमने टी टू निकाल दिया यहां से लेकर यहां तक मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके। टोटल टाइम अपने पास में रहेगा यहां का टाइम T1 और यहां का टाइम T2। सो हम लोग कहेंगे T1 की वैल्यू है V अपॉन अल्फा, T2 की वैल्यू है V अपॉन बीटा, सॉरी T2 की वैल्यू है V अपॉन बीटा। हमने यहां से एक काम किया, V को कॉमन ले लिया। जब हमने V को कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू T। सो वेलोसिटी की जो वैल्यू अपनी निकलेगी यहां से बच्चों वो ये निकलेगी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी बॉडी एक्वायर करने वाली है बच्चों, और मैक्सिमम वेलोसिटी इस सी पॉइंट पर रहने वाली है। अब आगे से ध्यान रखना, यहां से आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिलता है, थोड़ी क्वेश्चन मतलब ऐसे है कि जल्दी से समझ नहीं आते हैं, लेकिन जब आप ध्यान पूरा फोकस करके अपना लगाकर पढ़ेंगे ना तो 100% आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। इस क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए यह मिलता है, जब गाड़ी रेस्ट से चलना स्टार्ट करे, एक्सीलरेट करे, एक पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम हो जाए और फिर डीएक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दे, वहां जब भी टाइम का टर्म हमारे पास में आएगा हमें मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। पहले यहां पर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, फिर यहां पर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। तो हम लोगों ने बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल दी है, बीच वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, इतनी रहेगी। समझ आ गई है बच्चों बात? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर हम दूसरा पॉइंट इसका निकालेंगे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके चलिए अब देखिए हम लोग सेकेंड पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों। ये हमें याद रखना है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारे पास में आई है, देखो बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी जो हम लोगों ने निकाली है वो निकाली है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये बच्चों हमने मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट, ये जो हम लोगों ने निकाली है ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है। अब हम देखते हैं कि हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो यार मैंने इस डिस्टेंस को माना S1, ओके, और मैंने इस डिस्टेंस को माना S2। ये डिस्टेंस है मेरे पास में S1 और ये डिस्टेंस है मेरे पास में S2। S1 कैसे निकालेंगे?
आप ए और सी के बीच मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाइए। कैसे लगाएंगे मोशन की थर्ड इक्वेशन, जरा ध्यान दीजिए। ए और सी के बीच यहां वेलोसिटी है वी, यहां वेलोसिटी है, रेस्ट में है ना बॉडी, यहां वेलोसिटी जीरो है, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन होगी वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अल्फा है एक्सीलरेशन और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है एस वन। फाइनल वेलोसिटी यानी वी का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा एस वन। तो यहां से अपने पास में जो एस वन की वैल्यू निकलेगी ना बच्चों, वो निकलेगी वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस वन। ये हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन को लगाकर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को निकाल दिया। अब वही मोशन की थर्ड इक्वेशन हम इन दो पॉइंट के बीच में लगाते हैं। कैसे, जरा समझिए भाई। फाइनली कहे में है, रेस्ट में है, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी यहां वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू। समझ आ रही है बात। यहां से लेकर यहां तक का रिटार्डेशन कितना है, माइनस के बीटा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है एस टू। हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन को अप्लाई किया बच्चों। बॉडी अगर फाइनली रेस्ट में आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू। यहां से लेकर यहां तक रिटार्डेशन हो रहा है माइनस के बीटा और साथ में है एस टू। इस माइनस से ये माइनस हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, सो एस टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा। ये रिजल्ट अपने पास में बनेगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इतना डिस्प्लेसमेंट एस वन इतना है और एस टू की वैल्यू इतनी है। सो बच्चों ध्यान से समझिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, यानी एस वन और एस टू को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना चला है ये अपने पास में, टोटल कितना चला है ये अपने पास में आ जाएगा भाई। अब आप देखो S1 की वैल्यू है हमारे पास में v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, S2 की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। हमने v स्क्वायर बाय 2 को कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, अब एक काम करेंगे, देखो v की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है ये रही, v की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, यानी इस इक्वेशन में ये जो v आपको दिख रहा है ना बच्चों, ऑलरेडी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू इतनी है। अगर आपको s की वैल्यू निकालनी है सो वेलोसिटी को यहां से पुट करके यहां पुट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। भाई मैं ये कहता हूं कि अगर इस सवाल से 10% 15% 20% भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ तो हमारे लिए काफी है। कम से कम आप लोगों को पता ये चला होगा कि भाई जब ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी कि जहां पहले एक्सीलरेशन होता है फिर डी एक्सीलरेशन होता है, पहले स्पीड बढ़ती है फिर स्पीड घटती है, वहां क्या तो हम लोग मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे टाइम निकालने के लिए, और मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों। ठीक है, जल्दी से फर्स्ट फटाफट आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट आगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, हिंट मैं आप लोगों को दे चुका हूं। देखो ऐसा तो नहीं होता है, मोशन की थर्ड इक्वेशन मैंने चारों इक्वेशन आपको बताई, एक एक आधा सवाल मैं आप लोगों को बता देता आप भी खुश हो जाते, मैं भी खुश हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आपको पढ़ाया ही जा रहा है ना बच्चों तो बहुत बेहतर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए। अगर ऐसा कहीं होता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, हो सकता है मेजॉरिटी लेवल में कि आपको कोई बात समझ ना आए, तो आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट करिए और उस बात को सीखने की कोशिश करिए कि सर ये हमें समझ नहीं आया है, ये आप हमें दोबारा से बताइए, मैं उसके ऊपर कोई और वीडियो बनाऊंगा और एग्जाम्पल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं कुछ भी करके आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर्मेलिटी मत पूरी करिए बच्चों, टॉपिक को बहुत डीपली जाकर बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में ये है, सुपर प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं ना बच्चों, वो है, आपको खूब मजा आने वाला है इस प्रॉब्लम को करके, लेकिन पहले सबसे पहला काम प्रॉब्लम की लैंग्वेज को समझना, प्रॉब्लम की लैंग्वेज को अपने अंदर उतार लो भैया, जिससे कि तुम लोगों को पता चले कि हाँ यार इस क्वेश्चन में मुझसे ये बात पूछी है, अब मैं कम से कम इसका जवाब कुछ इस तरीके से दे पाऊंगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से कैसे हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे।
ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भाई हमने एक पॉइंट माना ए और यहां पर पार्टिकल रेस्ट में है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 m/s² 4 10 सेकेंड। यानी पार्टिकल अगर टाइम बराबर जीरो पर यहां से चलता है तो टाइम बराबर 10 सेकेंड पर यहां पहुंचता है और रास्ते में जो एक्सीलरेशन हुआ उसकी वैल्यू है बच्चों 4 m/s². तो भैया बच्चों जरा देखिए प्रॉब्लम क्या है। रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, 4 m/s² का एक्सीलरेशन होता है रास्ते में, पॉइंट बी पर पहुंच जाता है 10 सेकंड के बाद। समझ आ रही है बात? उसके बाद क्या कहा, देन इट मूव्स अंडर द कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन एंड स्टॉप्स इन 20 सेकंड। यानी फिर ये डी एक्सीलरेट करता है और सी वाले पॉइंट पर जाकर अगेन रुक जाता है, यानी रेस्ट में आ जाता है और रेस्ट में आता है 20 सेकंड के बाद। ठीक है, देन इट मूव्स अंडर द कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन एंड स्टॉप्स इन 20 सेकंड, 20 सेकंड में रुक जाता है बच्चों। ठीक है, यहां से 20 सेकंड के बाद रुक जाता है तो यहां हो जाएगा 30 सेकंड। 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड और चलता है फिर जाकर रुकता है। अगर 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड और चलेगा तो कितना हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा और फाइनली हमारी बॉडी रेस्ट में आ जाएगी बच्चों। अब हम लोगों से पूछा क्या है, जरा आप लोग ये देखिए। नंबर वन पॉइंट हम लोगों से पूछा है द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द पार्टिकल। अब एक बात बताओ, ए से लेकर बी तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है और फिर बी से सी तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो घटती है। अगर ए से बी तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है तो बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली हम ये कहेंगे बच्चों, अगर ए से लेकर बी तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है तो बी वाले पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और बी से सी तक अगेन जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कम होनी स्टार्ट होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, हम कहेंगे कि भाई बी पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहने वाली है वो मैक्सिमम रहने वाली है। देखो हम लोग एक काम करेंगे, ए और बी के बीच में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। भाई यहां तो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर है। यहां पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी ये मैक्सिमम रहेगी, तो यहां से लेकर यहां तक जब हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो बनेगा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू की वैल्यू है हमारे पास में जीरो, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 4 और यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम लगता है 10 सेकंड का, तो हमारे पास में बनेगा 40 m/s। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी। इतनी 40 m/s की जो वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर 40 m/s की जो वेलोसिटी होगी बच्चों ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि ए से लेकर बी तक जाने पर वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाली है। अगर ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ने वाली है तो हम कहेंगे भाई बी पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब बी से सी तक क्या होगा, बी से सी तक वेलोसिटी हमारी घटनी स्टार्ट होगी। तो हम ऐसा करते हैं, देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड पॉइंट हम लोगों से क्या पूछा है। बच्चों सेकंड पॉइंट हम लोगों से पूछा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये तो कर लेंगे, कुछ नहीं है यार, बहुत बेसिक बात है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम बी से सी तक पहले रिटार्डेशन निकालते हैं, बी से सी तक रिटार्डेशन निकालते हैं। एक बात बताओ, बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आई, 40। सी वाले पॉइंट पर फाइनली जब ये जाकर रुक जाएगा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बी से सी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, सी वाले पॉइंट पर टाइम है 30 सेकेंड, बी वाले पॉइंट पर टाइम है 10 सेकेंड। तो मैं कहूंगा बी से सी तक जाने में 20 सेकेंड का समय लगता है बच्चों। अरे लगता है या नहीं लगता है, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी हम लोगों को बोल रखा है कि 20 सेकंड चलने के बाद जो भी हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा। यानी अगर हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को बी और सी के बीच में अप्लाई करें
तो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में 40 है और सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0 है अपने पास में। कंडीशन क्या बनेगी, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, 0 इज इक्वल टू, यहां जो वेलोसिटी रहने वाली है वो रहने वाली है 40 और एक्सीलरेशन तो हमें पता है नहीं, मैंने एक्सीलरेशन मान लिया है अल्फा, यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 20। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इतना रिटार्डेशन होगा बच्चों, माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा। और इतने रिटार्डेशन होने के बाद अनदर 20 सेकंड चलने के बाद में फाइनली पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, दो चीज अभी तक हम लोगों ने निकाली है, वो कौन कौन सी है, दो बातें हम लोगों ने अभी तक निकाली है और वो ये है, एक तो हमने बताया है कि बी वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी क्योंकि ए से लेकर बी तक एक्सीलरेशन होता जाएगा और बी पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी 40। समझ आ रही है बात। दूसरी बात हमने आपको ये बताई है कि ए से बी तक का एक्सीलरेशन तो हम लोगों को पता है, बी से सी तक का एक्सीलरेशन कितना होगा वो हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को बी और सी के बीच में अप्लाई करके निकाला है। इस बार बी को हम लोगों ने माना है इनिशियल पॉइंट और इसकी वेलोसिटी है 40, सी पॉइंट को माना है फाइनल, इसकी वेलोसिटी है 0, रास्ते में एक्सीलरेशन हो रहा है अल्फा और टाइम की वैल्यू है 20 सेकंड। जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर निकल चुका है माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको इसे अप्लाई करना आना ही चाहिए स्टूडेंट। ओके चलिए, अब हमसे दूसरी बात कही है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं सेकंड वाला पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों। देखो सबसे पहले हम ये वाली डिस्टेंस निकाल देते हैं, ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम मोशन की थर्ड इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं और मोशन की सेकंड इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं, जो तुम्हें पसंद हो वो इक्वेशन यूज करो। हमने माना कि ये वाली डिस्टेंस है S1, u की वैल्यू है 0, टाइम की वैल्यू है 10 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 4, टाइम की वैल्यू है 10, स्क्वायर करेंगे ये S1 की वैल्यू अपने पास में निकल जाएगी बच्चों 200 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ S1, यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों ये वाली डिस्टेंस, मैंने इसे लेट किया कि ये है S2, मैंने लेट किया कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में S2 है। अब ये S2 हम कैसे बनाएंगे यार, ये बड़ा ज़रूरी है समझना। देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता है 40 है, 40 पता है गधो, 40 है, ठीक है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड इक्वेशन लगा दो, चाहे थर्ड इक्वेशन लगा दो, काम तो बनना ही बनना है, ठीक है, चलो जो तुम्हारी इच्छा वो लगा दो। मैंने लगाया S2 इज इक्वल टू, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ की वेलोसिटी है 40, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 20 प्लस हाफ, रिटार्डेशन हुआ अपने पास में माइनस के 2, टाइम है 20 और ये हो गया 20 स्क्वायर, ये कंडीशन अपने पास में बनी। यानी हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला बच्चों, ये मोशन की सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए, क्योंकि रिटार्डेशन की वैल्यू है माइनस के 2, अभी तो निकाली थी तुम्हारे सामने यार, अब तो पता चल जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी हो चुकी है भाई, अच्छे बच्चे हो सभी लोग यार। S2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, दिस इज 800 माइनस के 400, लो भाई ये बना हमारे पास में 400 मीटर, इतना है 400 मीटर, इतना है 200 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 प्लस 400, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 600 मीटर। हमारे सामने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा बच्चों वो 600 मीटर होगा। हमने आपको मैक्सिमम वेलोसिटी भी बता दी है, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, हमने आपको सेकंड हाफ में जब रिटार्डेशन हो रहा है, एक बार एक्सीलरेशन एक बार डी एक्सीलरेशन, जब डी एक्सीलरेशन हो रहा है तो डी एक्सीलरेशन में डी रिटार्डेशन कितना है वो भी हमने आपको बताया, हमने आप लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट भी बताया बच्चों। इसका जो सी वाला पार्ट है स्टूडेंट, वो अगर आप लोग कर सकते हैं, मैं हिंट देता हूँ, ट्राई आप लोग करिएगा,
पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, बताएं? चलो देखो, सी वाला पार्ट है इसका बच्चों, द डिस्टेंस एंड डिस्टेंसेज फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग एट हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब एक बात बताओ यार, इस ए वाले पॉइंट पर जीरो वेलोसिटी है, बी वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू निकल कर आई है 40, और सी पॉइंट पर अगेन जीरो वेलोसिटी है। 40 का हाफ क्या होगा? देखो उसने क्या कहा, उसने ये कहा जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पर हैं, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पर है ना बच्चों, अरे यार मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ कितना होगा? एक बार आप जीरो से बढ़कर 40 पर गए, मैक्सिमम वेलोसिटी 40 है, 40 का आधा हो गया 20, तो 20 दो बार आएगा बच्चों, सोचो दिमाग लगाओ जरा 20 कितनी बार आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी है 40, 40 का आधा हो गया 20, 20 हमारे पास में आएगा दो बार। कब कब आएगा? पहली बार तब आएगा जब इसकी स्पीड बढ़ रही है। देखो जीरो से बढ़कर 40 हो गई, तो यहां कहीं बीच में आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और 40 से घटकर जब जीरो होगी तो यहां कहीं को आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। प्रॉब्लम को ना समझ लीजिए, प्रॉब्लम उसने ये कहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा यानी 40 का आधा 20। हमने देखा यार 20 कितनी बार हो सकता है, क्योंकि जब उसने कहा ना डिस्टेंस डिस्टेंसेस, दिमाग खटक गया एकदम से यार, डिस्टेंसेस क्यों कहा इसने? डिस्टेंसेस इसलिए कहा क्योंकि दो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कब कब निकालनी पड़ेगी? 40 का आधा 20, 20 आएगा दो बार, एक बार 0 से 40 पर जाते हुए 20 कहीं बीच में आएगा, जब हमारी स्पीड 0 से बढ़कर 40 होगी 20 कहीं बीच में आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, और जब 40 से घटकर 0 होगी तब भी 20 आएगा। तो ओरिजिन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और ओरिजिन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, कैसे निकालोगे तुम? जब तुम ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो तुम लगाना मोशन की थर्ड इक्वेशन, जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालोगे ना तो मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाना। यहां की वेलोसिटी है 0, यहां की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और रास्ते में जो एक्सीलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां तक मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाना, ये 0, ये 20, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाई करना, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आ रही है बात? ओके, दूसरी बात, जब आपको यहां से लेकर यहां तक की निकालनी है तो आप क्या करोगे भाई? ए से लेकर बी तक तो मैंने निकाल ही कर दिया था तुम लोगों को अभी 200, जब तुम्हें बी से लेकर यहां तक की निकालनी होगी, इस पॉइंट को मान लेना डी, यहां वेलोसिटी कितनी है 40, यहां कितनी है 20, रास्ते में रिटार्डेशन है माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां से यहां तक मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाना, ये डिस्टेंस हो गई अपने पास में 200, अभी निकाल कर बताई थी, यहां मोशन की थर्ड इक्वेशन निकालना, लग जाएगा, प्रॉब्लम बच जाएगी। एक बार 20 यहां पर है, एक बार 20 यहां पर है, हम लोगों को इसकी डिस्टेंस यहां से बतानी है, यहां 0, यहां 20, रिटार्डेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये निकल जाएगा। एक बार हमें बताना है यहां से लेकर यहां तक, कैसे बताएंगे? आधी डिस्टेंस तो हमें पता है ही 200, ये निकाल देंगे, 200 में ऐड कर देंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। मैंने पूरी कहानी तुम्हें समझा दी, ये भी बता दिया कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये भी बता दिया कि कौन से डेटा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं। अब काम आप लोगों का है बच्चों, आपको पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आंसर मुझे बताना है। थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो यार, प्रॉब्लम बनानी है हम लोगों को, कुछ भी करके समझो उस बात को, तुम्हें अपने दिमाग के अंदर बात को घुसा लेना है। 50 बार मुझसे पूछो, 100 बार पूछो, उतनी ही बार बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ जाए, चुटकी बजा के प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, करिए फटाफट सॉल्व इसे।